अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कबुक नर्दबाने उर्दू का सफ़ा नंबर 27 मुकम्मल करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 27 खोलिए। मश्क है हमारी आज की ना और नह का सही इस्तेमाल। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नून अलिफ ना है और जो नून है ना है, इन दोनों की का जो मतलब है वो एक ही है, यानी नहीं। हमारी मश्क है आज की कि पांच जुमलों में नून अलिफ ना और पांच जुमलों में नून है नह इस्तेमाल कीजिए, जिससे दोनों का फ़र्क वाज़ह हो जाए। यानी हमें इस ना के और इस ना के पांच पांच जुमले बनाने हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि इनको जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इस नून अलिफ ना के जो हैं वो पाँच जुमले बताती हूँ। नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। मेरी अम्मी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। वालदेन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी गुफ्तगू में नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। ये बात नहायत नामुनासिब है कि हम अपने दोस्त की बुराई दूसरों के सामने करें। अब ये दूसरी नाह का जो है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम पांच जुमले बनाएंगे। चोर इतना तेज़ दौड़ा कि कोई उसे पकड़ ना सका। तेज़ चलो वरना गाड़ी ना मिलेगी। उसने मेहनत तो बहुत की मगर कामयाब ना हुआ। हमें चाहिए कि कभी झूठ ना बोलें। उसने हर जगह अपनी डायरी तलाश की लेकिन वो कहीं भी ना मिली। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपका सफ़ा नंबर 27 मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स, आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने न और नह का सही इस्तेमाल करते हुए तीन तीन जुमले बनाने हैं, यानी इस ना के भी और इस ना के भी, दोनों के आपने तीन तीन जुमले बनाने हैं। अल्लाह हाफिज़।